अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाए, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। नेपाल प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म का आस्था केंद्र रहा है। भगवान पशुपतिनाथ जी के प्रभाव से नेपाल की भूमि अत्यंत पवित्र रही तथा अध्यात्म मार्ग के साधकों और भक्तों के लिए उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदा से मिलता आ रहा है। ऐसी पवित्र धरती पर गायत्री महाशक्ति का पदार्पण निश्चय ही नेपाल वासियों के सौभाग्य को सूचित करता है। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू गायत्री महामंत्र की गूंज से गुंजायमान हो उठी। नवंबर में हुए 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ ने नेपाल वासियों के हृदय में धर्म भावना की नई लहर पैदा कर दी। कलशधारी माताओं ने किया देव संस्कृति दिग्विजय का शंखनाद। राजतंत्र से लेकर धर्मतंत्र तक सभी रंग गए केसरिया के रंग में। आइए देखते हैं इन्हीं सब विशेषताओं की एक झलक झांकी। नेपाल युगों युगों से हिंदू धर्म का आस्था केंद्र रहा है। जहाँ एक ओर भगवान पशुपतिनाथ अपने भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए आशीर्वाद देते हैं, दूसरी ओर हिमालय के लिए दुर्लभ कैलाश मानसरोवर और विश्व प्रसिद्ध एवरेस्ट की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। गायत्री महामंत्र के गान से नेपाल की धरती गूंज उठी। शिव नगरी काठमांडू गायत्रीमय हो गई। आइए देखते हैं पीत वस्त्रधारी लाखों गायत्री साधकों को जिन्होंने इस महानुष्ठान में भाग लिया। राजतंत्र से लेकर धर्मतंत्र तक सभी सहभागी हुए इस महायज्ञ में। के हाथों मनुजिता आज बंदी हो गई। बढ़ गए साधन बहुत पर शांति मन की हो गई। स्वार्थ के हाथों मनुजिता आज बंदी हो गई।
बढ़ गए साधन बहुत पर शांति मन की हो गई भूख में मेरा मन दिया पूरी पशुपति हो रहा भूख में भूला मन दिया पूरी पशुपति हो रहा अपना सपना करो साकार अपना सपना करो साकार कलश सिर धारण करो आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण नेपाल गया और ये बोलती थी कि गायत्री मंत्र उनको नहीं आता था क्या होता है गायत्री मंत्र जपना नहीं चाहिए बोलते थे लेकिन आजकल ये है कि माता जी की कृपा से गुरु की कृपा से गायत्री मंत्र घर घर में हो रहा है और जप रही है और बहुत अनुष्ठान भी कर रही है और नशाखोरी के लिए जैसे भी औरतें हैं हम लोग हैं अपने घर के हाउस वाइफ हैं वो अपने घर में बताती हैं कहती हैं और मंत्र देकर बोलती है तो उसकी शक्ति से वो आदमी भी उनके घर वाले जो हैं उनके परिवार हैं वो भी धीरे धीरे गायत्रीमय होते जा रहे हैं नशाखोरी भी छोड़ते जा रहे हैं और मांस वो भी छोड़ते जा रहे हैं बहुत ही अच्छा हो रहा है ज्ञान के को ज्योति जलाओ ना हम घर घर में जाएंगे ज्ञान के को ज्योति जलाओ ना हम घर घर में जाएंगे जागुरी 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 मन में शांति होस् परिवार के उन्नति होस् जुन नेपालमा जति पनि नेपालीहरू छन् जति महिलाहरू छन् नि तिनीहरू धेरै दुःखमा परे छन् तिनीहरूको उत्थान गर्न चाहन्छु एक त हैन यसबाट प्रेरणा मिलोस् कि महिलाहरू पनि केही गर्न सक्छ भगवान् पनि त एउटा महिला नै हुनुहुन्थ्यो हैन माता भएको भएर माताले पनि केही गर्नुहुन्छ यति नै भन्छु कि माताले हामीलाई हेरिदिनु भएको छ नेक बनेंगे नेक बनेंगे प्यार बढ़ाने आए हैं हम प्यार बढ़ाने आए हैं नए सृजन के प्रेरक नारे तुम्हें सुनाने आए हैं हम तुम्हें सुनाने आए हैं ईश्वर से साझेदारी का नया निमंत्रण लाए हैं हम नया निमंत्रण लाए हैं हम गायत्री माँ के बेटे हमको सौभाग्य मिल गया गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया कि ये इतने बड़े जो प्रोग्राम है हमारे यहाँ होने को जा रहा है इसमें ऐसा भी है देखिए ये नेपाल का पूरा नेपाल का प्रोग्राम है कोई काठमांडू का प्रोग्राम नहीं है हम नहीं रमाइलो भइरहेछ हामीलाई होइन राम्रो भइरहेछ अब यसरी हामी पहिलोपल्ट आएको होइन यसमा त हामी धेरै खुसी छु भगवान्को यस्तो काममा हामी यसरी आउनु पायो हामीलाई धेरै राम्रो लागिरहेको छ खुसी लागिरहेछ माता भगवती की यह
आरती लेने का भाव करते हुए अपने मस्तिष्क पर हाथ घुमा करके सामान्य हो जाए। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल जन मन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर के बाह पकड़ते सात विदुर घर खाते, श्याम सूर के बाह पकड़ते सात विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। वो कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे घनश्याम। भगवान को बुलाने के लिए अब क्या करेंगे। मन का मैल अगर धो ले तो, मन का मैल अगर धो ले तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धो ले तो, मन का मैल अगर धो ले तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। हो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान।
दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। ते परिश्रुता कं सोमा कं सूर्यस्य दुहिता वारेण सरस्वतातना ॐ यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्निवितमन्तरा ब्रह्मत्वेन पुनः बाएं हाथ में सभी लोग जल लें और मंत्र के पश्चात पवित्रता की भावना को पैदा करने के लिए अपने शरीर पर छिड़क लें। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिवा यस्नरे पुंडरीकाक्षं सबाल्याभ्यंतरः शुचिः गुरु पूजन करते हैं, सभी लोग मन को एकाग्र कर लें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता माता देव माता विश्व माता गायत्री का पूजन करते हैं। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोनि नमोऽस्तुते ओम श्री गायत्री नमस्कारं करो विघ्न विनाशक हे सुर पूजित हे घट घट व्यासे विघ्न विनाशक देव गजानन गणपति कैलासी विश्वमूर्ति विद्यासागर विद्या विस्तार करो विश्वमूर्ति विद्यासागर करो जन कल्याण करो
अर्थम पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः करने वाले साधनों को सार्थक बनाने वाले प्रभु विष्णु का आवाहन है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओं विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जोर से जयकार लगाएंगे। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। जय प्रभु पशुपतिनाथ जी जय श्री भोलेनाथ जय प्रभु पशुपतिनाथ जी जय श्री भोलेनाथ जी जय प्रभु पशुपति पशुपतिनाथ जी जय श्री भोलेनाथ जी। प्रभु का पूजन केदार में भी होता है, वहाँ पीठ पूजी जाती है या माथ पूजा जाता है। कहा है पीठ पूजे केदार खंड में 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 बागमती तट माथ जे बागमती तट माथ जी जय जय प्रभु पशुपतिनाथ जी जय श्री भोलेनाथ जी जय प्रभु पशुपतिनाथ जी जय श्री भोलेनाथ जी। बंधन है पाश के जिसमें बंधे जीव पशु कहलाते बंधे जीव पशु कहलाते इन पाशों से मुक्त करे जो इन पाशों से मुक्त करे जो पशुपतिनाथ कहे जाते पशुपतिनाथ कहे जाते मुक्ति दान देने की क्षमता हो है इनके ही हाथ जी जय प्रभु पशुपतिनाथ जी जय श्री भोलेनाथ जी जय प्रभु पशुपतिनाथ जी जय श्री भोलेनाथ जी। ओम वंदे देवा उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनामतिं वंदे सूर्यसाम कवहनिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम श्री शंकराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः नमः। ओम
कृष्ण गर्भाभ्याम नमः नमः ओम शशि पुरंद्राभ्याम नमः नमः ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः नमः ओम वासुदेवताभ्यो नमः नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः नमः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः नमः ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री दिव्यै नमः नमः ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयं गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशान्यां हि महेश्वर ऊर्धं रक्षतु धाताओ हृदोनन्तश्च रक्षतु अनुक्मपीयस्नानं रक्षस्त्वीशो मम हृदिक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाग्रया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषाम विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। बैठ जाएंगे, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपको दुपट्टा ओढ़ा हुआ है ना, इस दुपट्टे को टाइट बांध लीजिए, इसे मेखला और कोपीन के रूप में, प्रतीक के रूप में इसको ऐसा कस के बांध लीजिए अपने शरीर से। ओम इयम दुरुक्तम परिबाधमाना वर्णम पवित्रम पुनतीम आगात प्राणा प्राण बाराभ्याम बलमाधानम स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम। मेखला के प्रतीक के रूप में है। अब हाथ में दंड है आपके, दंड को हाथ में ले लीजिए, ऊपर करिए। दंड धारण करने का मतलब ये होता है कि ब्रह्मचारियों को हमेशा अपने साथ अन्याय न सहें, इसके लिए उसका प्रतिकार कर सकें, इसके लिए अपने पास एक शक्ति का स्वरूप होना चाहिए, गुरु की शक्ति से अनुप्राणित है ये। हाथ में ले लीजिए दंड को। ओम यो मे दंडः परापत वेहायसो अधिभूमान भूम्याम तमहम पुनरादद आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। अब यज्ञोपवीत को हाथ में रख लीजिए, यज्ञोपवीत को हाथ में रख लीजिए, भावना कीजिए कि यज्ञोपवीत को संस्कारवान बना रहे हैं और यज्ञोपवीत संस्कारवान बनके हमारे लिए पवित्रतम बन रहा है। हाथ में ऐसे दबा लीजिए, इस तरह से दबा लीजिए, ऐसे हाथ में दबा लीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुषता माजस्य बृहस्पतिर यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुं समीमं ददातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठ। अब यज्ञोपवीत धारण करना है सबको, बाएं कंधे पे धारण किया जाता है, हमारे वॉलंटियर्स मदद कर देंगे उनकी, हमारे कार्यकर्ता बता दें, और ना खोल पाए हो तो कोई बात नहीं, गले में धारण कर लीजिए, अभी बाद में ठीक से धारण कर लेंगे। अगर धारण करना है तो बाईं तरफ बाएं कंधे पर इसको रखा जाए, बाएं से दाएं जाता है यज्ञोपवीत, ठीक है, लेफ्ट राइट बाएं कंधे सब एक साथ करेंगे। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेयश्चजं पुरस्ता आयुष्यमग्र्यं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। ओम मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भुवनाः पृथिवीवरेण्यं तस्यास्ते पृथिवी देवया जनि पृष्ठे ॐ संविधायन्दुवश्यत धृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजोतना स्वाहा इदम् अग्नये इदम् नमः इति शब्दा। ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं ते ब्रह्मोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदम् नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रेदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रेदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रेदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
देंगे प्रथम स्वाहा पर आहुति न डालकर दोबारा स्वाहा कर करके आहुतियां डालेंगे। ओम पृथ्वी स्वाहा स्वाहा, ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा, ओम चंद्राय को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोनुभावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे बोलिए कि भगवान की जय। होता है सारे विश्व का सभी लोग कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। का कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का भगवान का यह यज्ञ है भगवान यज्ञ का भगवान का यह यज्ञ है भगवान यज्ञ का। जाता है देव लोक में इंसान यज्ञ से जाता है देव लोक में इंसान यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से।
बुधवार को तत्वावधान तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार काठमांडू को आयोजना में भरेको इस भव्य 108 पुण्य गायत्री महायज्ञमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा हार्दिक नमस्कार गर्दछौं। इस काठमांडू गायत्री परिवार का अध्यक्ष श्री केशव मराठाजी तथा शारदा मराठाजीलाई म मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु तथा हाम्रा परम श्रद्धेय डाक्टर साहब प्रणव पण्ड्याज्यू तथा आजका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति परमानन्द झाजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो शान्तिकुञ्जका अति विशिष्ट व्यक्ति महानुभावहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। स्वागत सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ। स्वागतको क्रममा हाम्रो अति विशिष्ट परम श्रद्धेय डाक्टर प्रणव पण्ड्याज्यूलाई स्वागत गरिदिनु हुन यस काठमाडौँ अखिल विश्व गायत्री परिवारका अध्यक्ष ज्यू तथा श्रीमती शारदा मराठाज्यूलाई दुपट्टा तथा माला लगाई तिलक लगाएर उहाँको हार्दिक अभिनन्दन स्वागत गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब मैं आदरणीय श्री डाक्टर प्रणव पण्ड्याज्यू से आग्रह करती हूँ आप उपराष्ट्रपति जी को कृपया तिलक करें। ओम स्वस्ति न इन्द्रो जगति में फहराए ओ महान नेपाल तुम्हारी महिमा जायन गाए धर्म और हिंदू की जगति में फहराए जगति में भाई और बहनों, जिस समय से हम गुजर रहे हैं ये समय बड़ा खास, बहुत खास समय है। परिवर्तन बड़ी तेज़ी से आ रहा है, बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव जो आ रहा है ये अच्छे की ओर आ रहा है, अच्छा परिवर्तन।
श्रेष्ठता की ओर परिवर्तन। पर जब बदलाव आता है तो दो सत्ताओं में संघर्ष होता है, असुरता में और देवत्व में संघर्ष होता है। कई बार लगता है कि असुरता जीत जाएगी, कई बार ऐसा लगता है कि ये जो बुरी ताकतें हैं ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पे हावी हो जाएंगे। कई बार ऐसा मन में लगता है कि अच्छाई हार जाएगी, क्योंकि अच्छाई थोड़ी है, दिखाई नहीं पड़ती, बिखरी हुई है, संगठित नहीं है। और बुराई संगठित होने के कारण दिखाई पड़ती है, और बुराई की ताकत ज़्यादा होती है क्योंकि बुराई में बहुत संघर्ष करने की ताकत होती है। संगठित होने के कारण वो ताकत और बढ़ जाती है। इसलिए ये जो संघर्ष चल रहा है ये अच्छाई और बुराई के बीच में चल रहा है, नीति और धर्म के बीच में चल रहा है, अनीति और धर्म के बीच में चल रहा है, अनीति और नीति के बीच में, अधर्म और धर्म के बीच में चल रहा है। इस समय सारे संसार में बदलाव आ रहा है बड़ी तेज़ी से। आपने सुना होगा थोड़े दिनों पहले तेज़ी से, करीब करीब पिछले 50 साल के इतिहास में अगर आप देखें तो कैसी तेज़ी से बदलाव आया। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, नेपाल एक पूरा के पूरा संगठित हुआ राष्ट्र बना, और भारतवर्ष हमारा जो था उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए, लोकशाही आई, लोकतंत्र आया, पहली बार अंग्रेज़ों के जाने के बाद आज़ादी की सांस ली लोगों ने। पर उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि आज़ादी वो राजनीतिक आज़ादी थी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी नहीं आई पाई। तो वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आज़ादी लाने के लिए बहुत सारे गैर सरकारी स्तर पर आध्यात्मिक संगठनों ने काम किया, और जनता की ताकत बहुत बड़ी है। यदि जनता एक मन से प्रार्थना करे और जनता एक साथ मिलकर के आध्यात्मिक बल की प्रार्थना करे तो शक्ति प्राप्त होती है। हमारे देवी पुराण में उन सब में आता है, बलम उपास्य, बल की उपासना करो, समूह में बल की उपासना करो, सबको बल मिलेगा। पर संगठित होने के बाद यदि हम सबका बल मिल जाएगा एक साथ, तो हम सब अपनी शक्ति के माध्यम से, पूरे अपने पराक्रम से, हम अध्यात्म की शक्ति के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये हमारे अध्यात्म की और ये हमारे हिंदू संस्कृति की और हिंदू धर्म की बहुत बड़ी शक्ति है कि आज तक हिंदू धर्म के पक्षधर लोगों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। आप बताइए, अगर किसी ने आक्रमण किया हो तो बताइए। दूसरे देश के लोग आके बसते चले गए पर हमने कभी किसी को निकाला नहीं। आप हिंदू धर्म का प्रचार सऊदी अरेबिया जाके नहीं कर सकते, आप क्रिश्चियन धर्म का प्रचार और किसी देश में जाकर, या क्रिश्चियन धर्म का प्रचार है जहाँ पर, वहाँ जाकर के आप हिंदू धर्म का प्रचार उस तरह से नहीं कर सकते जैसा आप हिंदुस्तान और नेपाल में कर सकते हैं। क्यों? हम लोग नेचुरली एग्रेसिव नहीं हैं, हम आक्रामक नहीं हैं, हम सबको अपने दिल में स्वीकार कर लेते हैं, सबको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, सब हमारे भाई बहन बन जाते हैं और सब हमारी नस नाड़ियाँ बन जाते हैं। और जब नस नाड़ियाँ होती हैं, रक्तवाही नलिकाएँ होती हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो फिर उसमें क्या झगड़ा करना। जब आर्टरी और वेन झगड़ने लगेंगे, दो नर्व्स आपस में लड़ने लगेंगे तो सारा शरीर में उत्पात मच जाएगा, बागी हो जाएंगे सब। इसलिए हमारे ये नस नाड़ियाँ बन गए और हमारे पूरे के पूरे संसार में, पूरे की पूरी संस्कृति के सागर में समा गए। इसलिए हमारी संस्कृति का सामासिकता, संस्कृति की सामासिकता इतनी अद्भुत है कि सबको ही समाते चले गए, सब एक दूसरे के साथ मिलते चले गए। इसमें भी नेपाल ने अपना हिंदू राष्ट्र का गौरव बनाए रखा। अब धीरे धीरे धर्म निरपेक्षता की बात होती है, सेक्युलर की बात होती है, सेक्युलर की बात मैं आपको कल से समझा रहा हूँ और बार बार बताता हूँ कि सेक्युलर का मतलब धर्म निरपेक्ष नहीं होता। सेक्युलर धर्म निरपेक्ष है, धर्म से परे। अरे धर्म से परे चले जाओगे तो बचेगा क्या, जिंदा क्या बचेगा। धर्म के साथ चलना चाहिए, धर्म के साथ चल करके सब धर्मों की अच्छाइयों की फुलवा लेकर के सब धर्मों की फुलवारी बनानी चाहिए। अच्छे धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं उनको इकट्ठी करें और एक गुलदस्ता बनाइए, बुके बनाइए, उस बुके के माध्यम से इतना बड़ा तंत्र खड़ा करिए जिसके माध्यम से सारे समाज का हम मार्गदर्शन कर सकें। गायत्री परिवार सारे भारत में, सारे विश्व में एक ही काम कर रहा है कि हरेक की प्रज्ञा प्रकाशित हो, हरेक की बुद्धि निर्मल हो। अगर बुद्धि निर्मल होगी सब काम अच्छे होंगे। रावण के पास सब कुछ था, प्रकांड पंडित था, बल था, बहुत बल था और बहुत सोना था, सोने की लंका कही जाती थी, संपत्तिवान था। पर रावण राम के सामने हार गए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि गड़बड़ा गई थी। बुद्धि गड़बड़ाने की वजह से उन्होंने सीता का हरण किया। सीता का हरण करने के बाद उनका सारा पतन का क्रम चालू हो गया। मित्रों, आज वो तो एक रावण था, उसके लिए एक राम गए और एक राम ने जाकर उसको पराजित किया। भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। परंतु आज तो घर घर में रावण है, आज घर घर में कंस है, आज घर घर में दुष्ट बैठा हुआ है। इस घर घर में जो
डोमेस्टिक एब्यूज़ हो रहा है वो घर घर में हो रहा है, सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है, और भी तरह तरह के एब्यूजेस हो रहे हैं। ये सारे की सारी परिस्थितियाँ बताती हैं कि हमें अभी शांत नहीं बैठना है, हमें संघर्ष करना है, हमें एक प्रकार से सारे संसार से अंधकार को निकाल के बाहर करके प्रकाश चलाना है। और अंधकार की ताकत नहीं होती, प्रकाश की ताकत होती है। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अंधकार की व्यक्तिगत कोई ताकत नहीं होती, स्वयं की कोई ताकत नहीं होती। अभी इस लाइट को बंद कर दीजिए, अंधेरा हो जाएगा। सूरज भगवान नीचे चले जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। सूरज भगवान कहीं नहीं गए, धरती घूम गई, प्रकाश हम आर्टिफिशियल क्रिएट कर लेते हैं और प्रकाश हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अंधेरे को मिटाना पड़ता है। पर प्रकाश का अभाव अंधकार है। तमस, तमस यानी अंधकार, अज्ञान यानी अंधकार। अज्ञान और तमस अभाव से, इन सब चीज़ों से जूझने के लिए हमें ज्ञान का प्रकाश घर घर पहुंचाना पड़ेगा। ज्ञान सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ है इस धरती पर। ज्ञान से बड़ी पवित्र चीज़ धरती पर कोई नहीं है। ज्ञान मतलब जीवन जीना, हाउ टू लिव लाइफ राइटली, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लविंग ईच अदर। एक दूसरे के साथ हम कैसे प्यार से रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह करके हम कैसे जी सकते हैं और अपने जीवन को सही कैसे बना सकते हैं। हमें भी खाना पीना भी नहीं आता, हमें चलना भी नहीं आता, हमें ट्रैफिक के एटिकेट से नहीं मालूम, रूल से नहीं मालूम, हमें यही नहीं मालूम कि हमें अपने राष्ट्रध्वज का कैसे सम्मान करना चाहिए, हमें ये नहीं मालूम कि हमें अपने बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए। हम अपने बड़ों के खिलाफ संघर्ष करने लगते हैं, बड़ों के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। हमें अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम सभ्य सुसंस्कृत शिष्ट कहलाएंगे। और उसको सिखाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान, शिक्षा नहीं। शिक्षा तो केवल जानकारी देती है, शिक्षा हमें इन्फॉर्मेशन देती है। ये सारा सागर जिसके पांव धोता है, ऐसा पांव धोने वाला भारत, और उसका माथा कहाँ पर है? नेपाल में। माथा नेपाल में है, मस्तक नेपाल में है, और वही सागर पूरे भारतवर्ष के तीन तरफ से पांव धोता है। नगाधिराज हिमालय, हिमालय हमारा मुकुट है, हमारा मुकुट है, हमारे ऊपर शिरोमणि की तरह से धारण किए हुए। हिमालय की रक्षा का दायित्व हम सबका है, भारतवर्ष का भी और नेपाल का भी। और ये जब हम इनकी रक्षा करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि हम संस्कृति की रक्षा करते हैं। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। शिक्षा क्या है? हिमालय की लेंथ इतनी है, हिमालय की विड्थ इतनी है, एल्टीट्यूड इतना है, ये देखिए सगरमाथा, इसका एल्टीट्यूड 29,000 फीट है, और इसके साथ साथ गौरीशंकर है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी आज पीक्स हमने देखी। ये सब क्या है? ये शिक्षा है, जानकारी है। गीता में कहा है, नहीं ज्ञान न सदृश पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पर कुछ नहीं है। आप किसी को कुछ दे पाओ ना दे पाओ, पर यदि आपने उसको जीवन जीने का ज्ञान दे दिया तो आपने उसकी जन भर की सेवा कर दी। उस सारी जिंदगी में यदि आपने एक आदमी को ज्ञान देकर के उसको पैरों पर खड़ा कर दिया तो आपका पुण्य इतना माना जाएगा कि भगवान उस पुण्य के बदले में आपको देव योनि में पहुंचाएंगे और कहेंगे इस अकेले आदमी ने जीवन भर में एक पुरुषार्थ किया, इस दूसरों को ज्ञान बांटा। ज्ञान की सेवा, ज्ञान दान से बड़ा कोई दान नहीं है, ज्ञान यज्ञ से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए हम सबको मित्रों ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आज की परिस्थितियों को, आज परिस्थितियाँ कितनी विषम हो गई हैं, लोगों को वही दिखाई पड़ता है जो विजिबल है। इनविजिबल, इम्परसेप्टेबल दिखाई नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, परोक्ष दिखाई नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष में क्या है? खाना पीना, खूब बड़े बड़े मॉल्स, प्लाजा, मल्टीप्लेक्स, सुपर सिनेमाज, जितने भी आ गए ना कॉम्प्लेक्सेस, पैसा, पैसा ही सब कुछ है। और इसके लिए जितना भी कुछ किया जाए, आँखों में पैसा, इधर पैसा, मन में पैसा, भगवान के सामने माला कर रहे हैं तो पैसा, हर चीज़ के पीछे, मनोकामना के पीछे पैसा। मैं जानता हूँ पैसे के बिना बहुत सारा काम रुक जाता है, पर यदि आप भगवान का काम करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। लक्ष्मी उसको कहते हैं जो बिना किसी व्यसन के आदमी के पास आती है, जो व्यसन नहीं करता उसके पास आती है और वो टिकती है उसके पास, और टिकने के बाद वो भगवान का काम करने में लगा देता है। सारा शांति कुंज, सारा गायत्री परिवार जो खड़ा हुआ है मित्रों, उसमें अरबों की बिल्डिंग्स हैं। आप देखिए 4,000 से ज़्यादा शक्तिपीठ हमारे, 3 शक्तिपीठ आपके नेपाल की बॉर्डर पर हैं, नेपाल के अंदर हैं। काठमांडू में अगले दिनों एक शक्तिपीठ हम बनाने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार शक्तिपीठ बनाने जा रहे हैं। ये सारी की सारी दौलत कहाँ से आती है? ये भावनाओं की दौलत से आती है। जनता की जेब से हम पैसा निकाल लेते हैं, 1 रुपया 2 रुपया रोज, एक दिन की कमाई रोज, ये सारा के सारा पुरुषार्थ किससे होता है? सारा पैसा कहाँ से आता है? जनता की भावनाओं में बहुत ताकत होती है। हमारे गुरुदेव ने उस ताकत को पहचाना और उस ताकत को पहचान के समय दान अंशदान की परंपरा को चालू कराया। अपना 1 घंटा 2 घंटा रोज दीजिए, अपनी 1 दिन की कमाई दीजिए, या ज़्यादा नहीं दे सकते तो 1 रुपया या 2 रुपया रोज दीजिए।
9 करोड़ गायत्री परिवार के कार्यकर्ता जब अपना 1 रुपया 2 रुपये देते हैं तो हमारा विश्वविद्यालय खड़ा हो गया 100 करोड़ का। हमारा शांतिकुंज का पूरा की पूरी बिलियंस की पूरी संस्था खड़ी हो गई, 4000 से ज़्यादा केंद्रों का अपना तंत्र खड़ा हो गया। मित्रों, शासन जो नहीं कर सकता, मेरा उपराष्ट्रपति से कहना चाहता हूँ कि शासन जो नहीं कर सकता वो जनता की ताकत कर सकती है, जनता की भावना कर सकती है। जनता की भावना में बड़ी ताकत होती है, वो जनता की भावना को आप स्पर्श करेंगे तो अध्यात्म बल सबसे बड़ा बल। यदि हम सब लोग मिलकर के संकल्प ले लें तो इस संकल्प में बड़ी शक्ति होती है। संकल्प के माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं, सारे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, सोच में बदलाव ला सकते हैं। हमें भौतिकवाद नहीं चाहिए, भौतिकवाद थोड़ा सा जरूरी, ज़्यादा नहीं जरूरी। जब ज़्यादा भौतिकवाद हो जाता है, ज़्यादा कंज्यूमरिस्टिक कल्चर हो जाती है, तो उस भौतिकवाद की वजह से सारी की सारी परेशानी चालू हो जाती है। तो हमारा उपनिषद कहता है ईशावास्य मदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्य उपनिषद की ईशा है, ईशावास्य मदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधकस्य स्विद्धनम। भोग तो करो पर त्याग के साथ, भोग में दृष्टि ये मत रखो कि हमको कंज्यूम करना है, भोग करने के लिए मना नहीं किया, भोग अपने लिए करो। देर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देर इज इनफ नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सबके लालच के लिए इस धरती पे नहीं है। काठमांडू में 50 साल पहले 60 साल पहले पानी की दिक्कत नहीं होती होगी, अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि पानी की दिक्कत होने लगी है। रेन हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, प्लांटेशन लगाना पड़ेगा, प्लांटेशन का ड्राइव बढ़ाना पड़ेगा, पानी को रोकना पड़ेगा, पानी को रोकेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। ये सारी चीज़ें जितनी आती हैं ज्ञान से आती हैं, ये शिक्षा में नहीं पढ़ाई जाती कहीं, कोई कोई फैकल्टी में नहीं पढ़ाई जाती, हमको ये सारा काम खुद करना पड़ेगा। मित्रों, नेपाल के विकास के लिए भारत सरकार क्या करती है हमें नहीं मालूम, पर गायत्री परिवार अपने आप में एक पूरी सरकार है और गायत्री परिवार नेपाल के विकास के लिए पूरा के पूरा समर्थ प्रयास करने के लिए तैयार है। हमारे परिजन आपके साथ मिलजुल करके काम करने को तैयार हैं। हमारे अंदर कोई प्रकार की व्यमनस्य की, ईर्ष्या की, द्वेष की आपके लिए भावना नहीं है। हम नेपाल के परिजनों को अपना ही भाई मानते हैं, अपना ही सहोदर मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि हम सब मिलजुल करके एक साथ प्रगति करेंगे तो न जाने कितने दीप चारों तरफ जल पड़ेंगे, ढेर सारे दीप जल पड़ेंगे अच्छाई के, और देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। ये परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। आइए अब हम दीप यज्ञ की ओर बढ़ते हैं। दीप यज्ञ के बाद आरती के पहले हम माननीय उपराष्ट्रपति जी का संबोधन भी सुनेंगे जो आप सबके लिए, हम सबके लिए होगा। उनके माध्यम से हम जानेंगे कि हमने जो भी कहा है उसके साथ आप और हम दोनों राष्ट्र मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी बात समाप्त करते हैं, दीप यज्ञ की शुरुआत के लिए आह्वान करते हैं, आमंत्रण देते हैं। आइए आप सब भावना करेंगे कि हमारे ऊपर जल का सिंचन हो रहा है। दोनों हाथ आप सब गोद में रख लें, आंखें बंद करें और भावना करें कि प्रातः काल की तरीके से इसमें जल का सिंचन हो रहा है। हम यहाँ से कहते हैं, आप दोहराइएगा, हमारा शरीर धुल रहा है, हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन, हमारा मन धुल रहा है, धुल रहा है, विचार विचार पवित्र हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, धुल रहा है, भावनाएं भावनाएं पवित्र हो रही हैं, पवित्र हो रही हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जो हमको पवित्रता मिली है उससे पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, सन्मार्ग पर चलाए। ओम ओम पवित्रता नह सन्मार्गम नयेत, सन्मार्गम नयेत। पवित्रता हमें महान बनाए। ओम ओम पवित्रता नह महत्ताम प्रयच्छतु पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। ओम ओम पवित्रता नह शांतिम प्रददातु। अपनी मुट्ठी जो संकल्प ले रहे हैं बांध लेंगे, हृदय के पास लगा लेंगे, और अगर आप भगवान से साझेदारी करना चाहते हो तो हम पढ़ते हैं, आप दोहराइएगा। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमी। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम मर्यादाम चरिष्यामी। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामी।
हे महाकाल, हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए, जो आपने सोचा है हम आधे घंटे उपासना करेंगे, इतना अंशदान करेंगे, इतना समय दान कर, यही संकल्प है। अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए, हमें हमें उपयुक्त शक्ति, उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दें, तथा प्रेरणा दें। हे प्रभो, हे प्रभो, हमारे संकल्प, हमारे संकल्प पूरे हों, पूरे हों। हम सुख सौभाग्य, सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य, श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के, तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने, आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की, और जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे, हमारी पात्रता बढ़ती रहे, हमारी पात्रता बढ़ती रहे, हमारी पात्रता बढ़ती रहे। हाथ जोड़कर हृदय से सत्ता को नमन। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये स्थापित सभी देवताओं को हृदय से प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्तये जोड़े प्रार्थना करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम् पुष्पाणि धूपम् दीपम् नैवेद्यम् समर्पयामि अग्नि स्थापनम्। अब हमारी जो बहने पहले से निर्धारित हैं वो अग्नि भगवान का दीप का प्रज्वलन करेंगी, और यहाँ से हम पढ़ते हैं, आप उसको हिंदी में बोलते रहेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे, ध्यान देंगे। अपने कपड़ों को बचाते हुए पहले दूर का दीपक आप जलाएंगे, उसी के बाद गायत्री महामंत्र आहुतियाँ होंगी और सम्मानीय उपराष्ट्रपति जी का उद्बोधन हम सबको सुनने को मिलेगा। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता, तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें, प्रदान करें। ओम ओम मगणेनाय सुपथाराय आसमान विश्वानि देव वायुनानि विद्वाम दूर का करिएगा। शुभ ज्योति के भय से मोह
पावन बना दो हे देव सविता, सब लोग बोलेंगे बाद में है हमारे बाद में। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के यार संचार करता, प्रणिपात स्वीकार दो हम समीता, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। बैठकर ही गायत्री महामंत्र से सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए हमारा मन पवित्र हो, गुणों से भर जाए, सभी लोग श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करें, इन्हीं भावनाओं से आहुतियां समाप्त प्रदान करें। सभी लोग कहेंगे, जितने बहने भाई बैठे हैं सब, इदं गायत्रै इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः। एक साथ सामूहिक प्रार्थना हुई, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, आए अब महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आशीष वचन के संदेश के रूप में हम सब सुनेंगे। हरिद्वार जलाए भगवान को द्वार भनिन्छ, त्यहाँ अवस्थित शांति निकुंज बाट शांति कुंज बाट हमारा जो सदैव डाक्टर साहब आने भएको छ र वहाँ का टोली आने भएको छ, वहाँ को आगमन बाट हमारा नेपाल में अवस्थित र खास गरेर काठमाडौँ में अवस्थित शांति गायत्री परिवार का संचालक र प्रमुख जीहरु धेरै उत्साहित हुनु भएको छ र आज यो एक महीना को अवधि में संपन्न हुन गइरहेको यो महा गायत्री महायज्ञ अब अंतिम अंतिम काल में आइपुगेको छ। वहाँहरुको यस आगमनबाट हामी धेरै लाभान्वित भएका छौँ र अन्य क्षेत्रमा जसरी सहयोग हुँदै आएको छ त्यसै रूपमा यो धार्मिक क्षेत्रमा पनि वहाँहरुको यो सहयोगलाई हामी सराहना गर्दछौँ, हामी वहाँलाई यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। अब अन्तमा पुनः यो महायज्ञले हामी सबैमा एउटा सबल क्षमताको उत्पत्ति गरोस्, हाम्रो नेपाल बनाउने हाम्रो अठोटलाई यसले मार्गदर्शन प्रशस्त गरोस्, त्यसको कामना गर्दै
सबैमा मेरो आफ्नो हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाई यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। महामृत्युञ्जयमन से आउतियाँ हमारी बहनें जो पहले से तैयार हैं वो नीचे आरती करेंगे। हाथ ऊपर कर लेंगे और गायत्री मंत्र साथ आरती लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्